अब देखो पृथ्वी पर कितने सारे जीवधारी हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आज पृथ्वी की ऊपर लगभग 10 करोड़ जीव हैं, तो क्या ये 10 करोड़ जीव पहले से ही थे? नहीं थे। और क्या ये 10 करोड़ ही आगे बने रहेंगे? तो क्या होगा, संख्या बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब पृथ्वी के ऊपर नए जीव आ रहे हैं, पुराने जीव मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब जीव का, जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी क्या है? निश्चित है। अब पृथ्वी के ऊपर, अब यहाँ हम मनुष्य की भी बात कर रहे हैं, पौधों की भी बात कर रहे हैं और जानवरों की भी बात कर रहे हैं। सभी में क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण होता है। अब पीढ़ी एकांतरण इससे क्या समझते हैं अपन? मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सभी में आती जाती है, ठीक है? यही कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है कि पृथ्वी पर नए जीव कहाँ से आए, कहाँ से आए? पृथ्वी के ऊपर नए जीव आ रहे हैं, उसी को कहते हैं हम जीव का जन्म लेना। अब जीव जन्म कैसे लेते हैं? पौधों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। तो नए जीव उत्पन्न होने के लिए सभी सजीवों में एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया होती है जनन, या उसका नाम होगा प्रजनन, ठीक है? चैप्टर का नाम ही है हमारा ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है कि जीवों में जनन कैसे होता है, ठीक? क्या है जनन? वह आवश्यक क्रिया है, इसी के कारण पृथ्वी पर नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अब जनन के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी कि सजीवों का आवश्यक गुणधर्म जिसमें वो अपने ही समान जीव को उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाता है? जनन। चाहे पौधा हो, पौधे में जनन होगा तो सेम टू सेम वैसा का वैसा पौधा आएगा। जानवर हो तो जानवर, जैसे कुत्ते ने जनन किया तो उसके पिल्ले हुए, वो भले ही छोटे पिल्ले के रूप में रहेंगे लेकिन जब बड़ा होकर वो भी एक वयस्क डॉगी के रूप में, कुत्ते के रूप में ही नजर आएगा। मनुष्यों में शिशु जन्म लेते हैं, भले वो एक छोटा सा बेबी है लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे आप लोगों का भी हो ही रहा है, अभी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक निश्चित एज प्राप्त करने के बाद पूरा विकास हो जाएगा। तो है हम अपने माता पिता के समान ही। अतः सजीवों का मुख्य गुणधर्म जिसमें जीव अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? जनन या प्रजनन। अब ये जनन और प्रजनन तीन तरीके का होता है, क्या नाम बताओगे? जनन की तीन विधियां होती है, बोलोगे? एक होता है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा होता है लैंगिक जनन। क्या आप इनके बारे में जानते हो? कायिक जनन, कायिक किसी में इसका एको नाम है वर्णिक जनन। अब देखो कायिक में शब्द छिपा हुआ है काया, यानी जीव शरीर का ही कोई भाग वृद्धि करके एक नया जीव बना सकता है।
तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन। नहीं तो जनन ही आप लोगों को मालूम इतना ही है अभी, ये जीव उत्पन्न होने के लिए एक जीव की आवश्यकता होती है। लेकिन दो विधियाँ होती है जनन की, कौन सी? कायिक जनन और अलैंगिक जनन। इसमें कोई सा भी एक जीव ही वृद्धि और विकास करके या उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं उसके द्वारा एक नया जीव आ सकता है। यानी नए जीव उत्पन्न होने के लिए दो अलग अलग लिंग वाले सेक्स वाले जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे जनन क्या कहलाते हैं? कायिक जनन या अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर मेल और फीमेल टर्म नहीं आएगी, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसका कोई सा भी शरीर का भाग या उसके अंदर बीजाणु निर्माण या कोई सी भी अन्य प्रक्रिया होगी, उससे नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक। अब ये जो दो जनन लिख रहे हैं ये लगभग अविकसित शुरुआती जब जीवन का विकास हो रहा था उन जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है वो विकसित प्रकार का होता है, उच्च वर्गीय पौधों उच्च वर्गीय जीवों और हम खुद उमन भी हमारे अंदर जो होता है वो कौन सा होता है? लैंगिक जनन। यानी जनन के लिए नई संतति उत्पन्न होने के लिए दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल के अंदर मेल गैमेट नर युग्मक बनते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट मादा युग्मक बनते हैं, और इन मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है, संयोजन होता है और एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नहीं करें, ये मेल गैमेट है ठीक, ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जनन अंगों में बना, फीमेल गैमेट फीमेल जनन अंगों में बना। ठीक। अब इनके अंदर क्या होगा? फ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों मिलेंगे फ्यूज होंगे। अब यहाँ देखो ये भी अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है। अब अगुणित का मतलब क्या है? गुण सूत्रों की संख्या अधिक होना। जैसे मनुष्य में कुल कितने होते हैं? 46 गुण सूत्र होते हैं, लेकिन सिर्फ जनन अंगों में, जनन अंगों को छोड़कर शरीर की बाकी सब कोशिकाओं में 46 गुण सूत्र होते हैं। सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, इसलिए गुण सूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी। ये होता है डिप्लॉइड द्विगुणित, और हेप्लॉइड क्या होता है? एन। ये तो ये अगुणित मेल गैमेट अगुणित फीमेल गैमेट, हेप्लॉइड और हेप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं और एक डिप्लॉइड रचना बनती है, और ये डिप्लॉइड रचना क्या कहलाती है? झाइगोट, या शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। और ये युग्मनज भी विकसित होता है, और विकसित होकर क्या बनाता है? एक शिशु का निर्माण करता है। तो हम मनुष्यों की ही बात करते हैं, कि मेल और फीमेल गैमेट शुक्राणु और अंडाणु के फ्यूजन से जो झाइगोट बना है, उस झाइगोट का अधिकांश कितने 9 महीने तक होता है फीमेल के गर्भाशय में, और विकसित शिशु विकसित हो जाता है, उसके बाद शिशु का जन्म हो जाता है। तो लैंगिक जनन के लिए हमें दो अलग अलग लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, और सबसे विकसित प्रकार का जनन क्या होता है? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में देखो दो अलग अलग जीवों के गुण मिल रहे हैं, दो अलग अलग जीवों की रचनाएं मिल रही है, तो मेल के भी कुछ गुण होंगे फीमेल के भी कुछ गुण हैं। जैसे आप लोग हैं, आपके अंदर कुछ लक्षण कुछ आदतें हेल्थ हाइट कलर बाल का रंग अपने मम्मी या पापा के जैसा होगा, और कुछ बिल्कुल नए लक्षण भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो दोनों पेरेंट्स के समान भी लक्षण हो सकते हैं, और कुछ लक्षण नए भी आ सकते हैं, और ये नए लक्षण उत्पन्न होना ये क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है।
यानी लैंगिक जनन के कारण जीवों में नए और अच्छे लक्षण आते हैं, इसलिए लैंगिक जनन को विकसित प्रकार का जनन माना जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर वापस कायिक जनन। कायिक जनन मीन्स काया, शरीर का कोई भी भाग टूटकर अलग हो जाएगा तो एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन। जैसे मैंने एक ब्रायोफिल्म के बारे में बताया ना, ब्रायोफिल्म का एक वीडियो डाला ना पत्ती वाला, देखा हो अब देख लेना, ऐसी पत्ती ली, इस पत्ती के किनारों पर क्या पाई जाती है देखना, पीछे जाकर आपको बकायदा उदाहरण सही जो पौधा दिख रहा है उसमें अपस्थानी कलिकाएं दिख रही है। अब ये है ब्रायोफिल्म। अब ये ब्रायोफिल्म है, अब नया पेड़ लाने के लिए, नया पौधा लाने के लिए हमको बीज की जरूरत होती है, लेकिन इन पौधों में क्या, इस पौधे में क्या होता है, पत्ती के किनारों किनारों पर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। यह अपस्थानिक कलिका है, प्रतिकूल परिस्थिति में निष्क्रिय पड़ी रहेगी। जैसे ही फेवरेबल मौसम आएगा, अनुकूल परिस्थिति आएगी, उसे क्या होगा, छोटी छोटी जड़ें और क्या होगा, पौधा विकसित हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो जितनी कलिका है उतने पौधे आ गए, आए के नहीं आए, तो ऐसा जनन, ये क्या कहलाता है, कायिक जनन। आपने आलू देखा होगा, नहीं देखा, आलू देखा, आप इसको कल लाओ आलू दिखाते हैं आलू शायद ऐसा होता है और इसके ऊपर ऐसी कुछ रचनाएं रहती है व्हाइट व्हाइट कलर में, क्या होता है, हम आलू की खेती करना है तो आलू के बीज लाएंगे क्या, क्या करेंगे, आलू को ही डाल देते हैं। अब आलू के अंदर आपने ऐसी गोलाकार वाइट वाइट रचना निकली है, उनको क्या कहते हैं, आईज ऑफ पोटेटो, आलू की आँखें, वो वृद्धि करेगी और विकसित होकर क्या बना देगी, आलू का पौधा बना देगी और ऊपर वायु भी वृद्धि होगी और जमीन में बहुत सारे आलू तैयार हो जाएंगे। तो हमको कुछ नया बीज लाना पड़ा क्या, एक ही आलू के अंदर जितनी ऐसी आँखें थी, हर एक ने विकास किया, वृद्धि करी और एक नया जीव बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, कोई डाउट? अब जो अगला जनन है हमारा कौन सा, अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन और कायिक जनन लगभग एक जैसे ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा देखा है आपने, अमीबा, अच्छा अमीबा देखा मैंने आज तक नहीं देखा, और तुमने अमीबा देखा, फोटो में हाँ मैं भी चौक गई थी, मेरे बच्चों ने अमीबा देखी, मैंने अमीबा की देखा। अमीबा सरल एक कोशी की जीव है, परीक्षा में प्रश्न आता है वो एक कोशी की जीवों के उदाहरण दो, तो अमीबा पैराफिशियम और यूक्लिडा, और अमीबा एकमात्र ऐसा जीव है जो अनियमित आकार का है। अभी ऐसा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद आपको ये हो सकता है ये ऐसा नजर आए, इसका जो आकार है वो इरेगुलर होता है, थोड़े थोड़े समय में एक अंडे इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। अब अमीबा में जब भी अलैंगिक जनन होना होगा तब क्या होगा, उसका ये भाग दो भागों में बटने लग जाएगा, बाहरी भाग और अंदर की तरफ, कौन है ये, ये कोशिका है और ये केंद्रक है,
पूरा ही दो भागों में बटेगा। तो दो भागों में बटना शुरू हुआ तो इंद्रक भी और यह रीति भी रचनाएं होगी, ये सब भी क्या होगी, डिवाइड होगी। और फिर आगे चलकर ये पूरी तरीके से क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। हमें यहाँ पर इस समय ऐसा आएगा कि दोनों ही भाग अलग अलग हो जाएंगे। और देखो एक जीव से दो जीव बने, कहीं कोई हमें दो जीवों की आवश्यकता हुई क्या, नहीं हुई। तो ये है अमीबा में अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इसी से नया संतति अमीबा बन रहा है। और ये क्या कहते हैं, संतति अमीबा, या इनको क्या कहते हैं, संतति या पुत्री अमीबा। अब यहाँ पर एक जीव दो भागों में बटा है तो ये क्या कहलाया, अमीबा में क्या कहलाया, बाबा दो भागों में बट रहा है, क्या कहलाएगा, द्विखंडन। इसी तरह प्लेनेरिया में भी होता है, उसमें जब एक जीव एक से अधिक खंडों में बट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुखंडन। क्या कहते अलैंगिक जनन की एक विधि हो गई खंडन, जब जीव का शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके नया जीव बना लेता है। अब वो दो खंड बना रहा है तो वो द्विखंडन, एक से ज़्यादा बना रहा है तो बहुखंडन। क्लियर है। और अलैंगिक जनन की एक और विधि होती है, कौन सी, पुनरुद्भवन। और कौन सी होती है, मुकुलन। इनके बारे में हम कल बात करते हैं।